तो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले ये सब्सक्राइबर्स हाइड वाला सिस्टम जो है YouTube ने परमानेंटली के लिए हटा दिया है। तो अभी दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर परेशान हैं, जो नए क्रिएटर हैं उनके चैनल पर कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, चाहे 100 150 या फिर किसी चैनल पर 2-4 सब्सक्राइबर्स होते हैं, और वो बिल्कुल मतलब शुरुआती में ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो क्या हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे। और इसी बात पर वो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं कि हम 2023 में यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। अलग अलग वो वीडियोज़ देखते हैं, और ख़ास करके वीडियो देखने के बाद उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हाइड करने वाला ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने इसे अभी हटा दिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स हाइड कर लेंगे, और अगर दोस्तों आप कॉन्टेंट अच्छा नहीं बनाएंगे, तो क्या आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप एक नया क्रिएटर हैं तो आप मेहनत कीजिए, सीखिए, और उसके बाद आप वीडियो पोस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट पोस्ट कीजिए, ताकि जैसे ही लोग आपके यूट्यूब के वीडियो को देखेंगे तो वो और भी वीडियो देखने के लिए दूसरे वीडियो में जाएंगे और तुरंत आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। शुरुआती में दोस्तों किसी का भी चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं। मैंने भी जब अपने चैनल को स्टार्ट किया था तो हम भी दोस्तों जीरो से ही स्टार्ट किए थे, और उसके बाद दोस्तों अपने आसपास के दोस्तों को, लोगों को बोलते थे कि हमारा एक चैनल है, आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू शुरू में 100-150 सब्सक्राइबर्स तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा, मतलब लोगों को बता के करना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा फोकस देना है अपना कॉन्टेंट में। अगर आप कॉन्टेंट सही से पोस्ट करेंगे, अगर आप अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लोग आपकी वीडियो को पसंद करेंगे, तो खुद ब खुद आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, और डेली आपके 2-4 सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। शुरुआती में धीरे धीरे आपके चैनल पर 50-60 सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और एक दिन ऐसा भी समय आएगा जिससे आपके चैनल पे 1,000, 2,000, 5,000 तक सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एक नया क्रिएटर हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आपके चैनल पे कम सब्सक्राइबर्स है तो कोई भी बात नहीं है, आप दोस्तों कंटेंट पे ध्यान दीजिए और अपनी वीडियो पे ध्यान दीजिए, और आप अपनी वीडियो को अच्छा से बनाइए, थंबनेल अच्छा से बनाइए, टाइटल अच्छा से बनाइए, ताकि आपका वीडियो सर्च में आए, और कंटेंट रेगुलर पोस्ट कीजिए। जिस लोगों को आपकी वीडियो की ज़रूरत होगी वो वीडियो ऑटोमेटिक उसके पास पहुँच जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और व्यूज़ भी मिलेंगे। तो अभी तक आप अगर सोच रहे थे कि हम अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि YouTube पर आप किसी भी तरीके से अभी सब्सक्राइबर्स हाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि YouTube ने ये हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा है, और आप अगर सोच रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे और आप अपना कॉन्टेंट पर ध्यान देंगे और अपने कॉन्टेंट पर काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।